I'm Sonu at Sonu Ka Dhaba. During this lockdown, one of my friend asked me, यार मेरे बीटरूट चिप्स नहीं मिल रहे हैं, क्या तुम उसको बना सकती हो? तो मैंने सोचा चलो लेट्स ट्राई माई हैंड्स इन इट. इसके लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट बीटरूट. बढ़िया सा बीटरूट लेंगे, पीलर से पील कर लेंगे. एंड मेरे पास पोटैटो चिप्स मेकर नहीं था, तो मैंने एक नॉर्मल ग्रेटर यूज़ किया है. अगर आप पोटैटो चिप्स मेकर से बनाएंगे तो और भी थिन स्लाइस निकाल सकते हैं. स्लाइस निकाल देंगे, उसके बाद क्या करना है, एक बाउल लेंगे, उसमें थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा ऑलिव ऑयल, उससे उसकी सीजनिंग करके उसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे. आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें थोड़ा वाटर है. ये वाटर नहीं, इसकी स्वेटिंग है, जिससे कि इसका थोड़ा मॉइस्चर आउट हो जाए, जिससे कि चिप्स बनाने में हमें थोड़ा सा कम टाइम लगे और इसका कलर वैसा का वैसा ही रहे. सो लेट्स बेक इट. बेकिंग ट्रे के अंदर सारे अपने चिप्स हैं अरेंज कर दिए हैं और 160 डिग्री पे अवन को हॉट कर लिया है, प्री हीट. और उसके बाद 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको सेट कर दिया है. आफ्टर 30 मिनट्स के बाद चेक करेंगे क्या रिजल्ट आते हैं. आफ्टर 40 मिनट्स ऑफ बेकिंग एट 160 डिग्री, चिप्स आर रियली रेडी. अब हम इन्हें कूल डाउन होने के लिए रख देते हैं, देन इनका क्रिस्प चेक करेंगे. स्मॉल बैच ऑफ बीट रूट चिप्स आर रेडी. ट्रायल वन इज टू गुड. बहुत बढ़िया बना है और क्रिस्प भी बहुत बढ़िया बने हैं. मैं रेडी हूँ अगले बिग बैच के लिए.